हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए आज के वीडियो में हम सीखेंगे एमएस एक्सेल में फ्लैश फिल के बारे में। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे फ्लैश फिल ऑप्शन है। ये जो फ्लैश फिल है ये एक्चुअली किस लिए यूज किया जाता है? तो यहाँ पे कुछ आपको डिफरेंट एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकालने हैं, और यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं, इसको ईमेल आईडी में कन्वर्ट करने हैं, और यहाँ पे कुछ नेम है प्रॉपर केस में लिखने हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका फ्लैश फिल का जो ऑप्शन होता है, यहाँ फिल के अंदर जाएंगे तो यहाँ से फ्लैश फिल ऑप्शन दिखता है। तो पहले इसका यूज कैसे करते हैं, चलिए इसको हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ बॉक्स के अंदर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट नेम टाइप करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको टाइप करना है। यहाँ पे फर्स्ट नेम टाइप करने के बाद इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद फ्लैश फिल का शॉर्टकट क्यू होता है कंट्रोल प्लस ई। आप कंट्रोल ई प्रेस करना है तो ये फ्लैश फिल हो जाएगा, फर्स्ट नेम आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस तरीके से अगर आपको लास्ट नेम निकालना है तो आप यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे, और लास्ट नेम लिखने के बाद इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम निकाल सकते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ईमेल आईडी को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा सुहन कुमार @gmail.com। इस तरीके से लिखने के बाद इसको आप यहाँ से आपको सेलेक्ट करने हैं। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका ईमेल आईडी भी कन्वर्ट हो चुका है। इस तरीके से आप, चलिए अगले एग्जांपल पे चल के देखते हैं कि यहाँ पे नेम है और यहाँ पे प्रॉपर केस है, तो इसको किस तरीके से प्रॉपर केस में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे मैंने लिखा सुहन और यहाँ पे लिखा कुमार, और इसको उसके बाद यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया। तो इस तरीके से देखेंगे आपका यहाँ पे प्रॉपर केस बन चुका है। तो इस तरीके से फ्लैश फिल का यूज करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नेम दिए गए हैं, इस नेम के यहाँ से फर्स्ट लेटर निकालने हैं। तो इसको हम किस तरीके से फर्स्ट लेटर निकालेंगे? फर्स्ट लेटर का मतलब यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे एस और के निकालने हैं, तो इसको किस तरीके से निकाला जाए? तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे एस और यहाँ से आपको के टाइप करना है। इसको टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे हर नेम का फर्स्ट लेटर एक्सट्रैक्ट होके अलग हो चुका है। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट नेम और यहाँ पे लास्ट नेम है, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ मर्ज करने हैं। तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं? सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा सुहन, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कुमार। इसको लिखने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक में लिख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं, वॉच और टी शर्ट। यहाँ पे मेल और फीमेल को दोनों को ही एक साथ अलग करना है। तो मेल यहाँ पे मेल आ जाए, और फीमेल यहाँ से एफ आ जाए। तो इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आप एम लिखेंगे, एम टाइप करने के बाद इसको यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेल और फीमेल अलग कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास अगला एग्जांपल है डेट। डेट में यहाँ पे ईयर को अलग करना है, और यहाँ पे डे को अलग करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा, यहाँ पे ईयर को आपको टाइप करना होगा। टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करिए और कंट्रोल ई प्रेस करिए। तो इस तरीके से आप ईयर को अलग कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपको डे को अलग करना है तो यहाँ पे आप डे को टाइप करेंगे। डे टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस ई प्रेस करना है। तो इस तरीके से आप डे को भी अलग कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा,
और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।